अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप? और तुम्हारे ठीक की छुट्टी आप लोगों कैसे गुजरे हैं? होपफुली मुझे उम्मीद है आप लोगों ने एक अच्छे से इंजॉय किया होगा। घरों पर रहकर आप लोगों ने अच्छे से जो है ना फैमिली के साथ ही गुजारी हो। तो सर लास्ट टाइम बेटा हमने जो है ना यूनिट नंबर थर्ड तक रिवाइज कर लिए थे अपने। जो हमारा लास्ट चैप्टर था उसमें हमने यूनिट नंबर जो थर्ड है उसको एक्सरसाइज तक बताइए हमें कंप्लीट कर लिया। इसलिए अभी हमने जो स्टार्ट करना है वो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास। हम नया यूनिट स्टार्ट करने लगे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल यूनिट नंबर है 4। ये हमारे सिलेबस में बता के अपने शामिल है। अब हमने इसमें जो है ना चैप्टर के अंदर जो डिफरेंट मालिक्यूल की स्ट्रक्चर होती है जो बॉन्डिंग होती है वो हमने सीख लिया। तो ये जो मालिक्यूल है आयनिक है, ये जो मालिक्यूल है ये कोवलेंट है, ये मेटैलिक है, इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। वहीं पर जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग हो रही होती है, कहीं पर देखो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही होती है, कहीं पर दो मेटल एटम आपस में कंबाइन हो रही होती है जहाँ पर बेटा क्या बनते होते हैं मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, चलिए हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर जैसे जैसे आगे डिफरेंट इसमें बॉन्डिंग आएगी इसको बेटा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब सबसे पहले हम अगर एटम्स की बात करें, यूनिट नंबर 3 में भी सीख रहे हैं एटम्स क्या होते हैं। जो टेनी पार्टिकल होते हैं आपस में उससे मिलकर बने होते हैं। जो टेनी पार्टिकल है उससे बेटा क्या करते हैं डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर कंपोज होकर बेटा ये क्या बनाते हैं एटम्स बनाते हैं। और एटम्स क्या होते हैं इंडिविजुअल पॉड। इतने इंडिविजुअल पॉड होते हैं कि जिनको हम क्या कर सकते हैं अपना काबले तकसीम होते हैं। अब मालिक्यूल कैसे बनते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल, हमने तो मालिक्यूल बनाया है ना। स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल क्या होते हैं जब हम डिफरेंट एटम्स को कंबाइन करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या बन जाते हैं मालिक्यूल बन जाते हैं। जब हम केमिकली कंबाइन करते हैं ना डिफरेंट एटम्स को तो वो क्या बना देंगे मालिक्यूल बना देंगे। जैसे वाटर मालिक्यूल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करें केमिकली बनाएगा पानी बना देते। इसी तरह साल्ट है टेबल साल्ट है एमएसीएल घरों में जो इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए अदर पर्पज के लिए खाने के लिए बेटा सोडियम और एलएसीएल को कंबाइन करें केमिकली तो एलएसीएल मालिक्यूल बन जाए। ठीक है, इसी तरह बेटा क्या कहलाते हैं मालिक्यूल कहलाते हैं। अब केमिकल फोर्स और केमिकल बॉन्ड ये क्या होती है बेटा, कशिश की वो फोर्स कशिश की वो ताकत जो एटम को आपस में मिला देती है कंबाइन कर देती है बाइंडिंग कर देती है उसको हम कहते हैं ये केमिकल फोर्स और केमिकल बॉन्ड कहलाते हैं। ठीक है, द फोर्स द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग द एटम्स टूगेदर इन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड केमिकल फोर्स और केमिकल बॉन्डिंग। इसको बेटा हम क्या कहते हैं यानी जो डिफरेंट एटम्स को आपस में कंबाइन रखती है उनको हम क्या कहेंगे बाइंड रखती है ये केमिकल फोर्स कहलाते हैं केमिकल बॉन्डिंग कहलाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज नंबर पर आइएगा 59। व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो जो एटम्स होते हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। केमिकल बॉन्ड वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो क्या अचीव देयर स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी कि वो अपनी स्टेबिलिटी तक पहुंच जाए। ठीक है, उनकी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो क्या हो गया मुकम्मल हो गया, यानी वो इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन बेटा कहते वैलेंस शेल में आ जाए तो वो क्या हो जाते हैं स्टेबल कहलाते हैं। जैसे हमने नोबल गैसेज का जिक्र किया था लास्ट टाइम यूनिट नंबर 3 कि नोबल गैसेज क्या होती है। नोबल गैसेज ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके ऑक्टेट क्या होते हैं बच्चों कम्प्लीट होते हैं मुकम्मल होते हैं, उनमें जो वैलेंस शेल होते हैं वो कम्प्लीटेड होते हैं, इसलिए कि ना वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं ना ही वो गेन करें। ठीक है, इसलिए तो उनको शरीफ कहा जाता है, ना किसी से कोई चीज़ वो ले रहे हैं ना किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं बेटा, अपने ऑक्टेट में जो है आराम से रहे। उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS2 2 NP6 होती है बेटा। ठीक है, अब इसी तरह दो रूल आ गए जो स्टेबिलिटी के लिए है ना, दो रूल एक डुप्लेट रूल एक ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल में क्या होता है डुप्लेट रूल में ये होता है कि शेल के अंदर मैक्सिमम अटेंड जो है 2 इलेक्ट्रॉन हो,
पहले टू इलेक्ट्रॉन ऑन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डबलेट टू, यानी के शेल की बात हो रही है। ठीक है, जिस एलिमेंट में जिस एटम में के शेल होंगे तो बेटा वो क्या होंगे, स्टेबिलिटी होंगे। इसी तरह अब इसमें एट इलेक्ट्रॉन है उनको हम क्या कहेंगे, वो ऑक्टेट रूल, यानी डबलेट रूल वाले को कहते हैं टू इलेक्ट्रॉन, और ऑक्टेट रूल वाले को हम कहते हैं इसमें टू इलेक्ट्रॉन बेटा होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, रिटेनिंग द एट इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड के लिहाज से ही पेपर में अक्सर आ जाता है कि डिफाइन डबलेट रूल या डिफरेंस बिटवीन डबलेट रूल एंड ऑक्टेट रूल, तो ध्यान अच्छे से याद करना, ये जो डिफाइन बताइए मुझे। अब तो नोबल गैसेज में क्या होता है, टू इलेक्ट्रॉन और एट इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल में, ठीक है, इसमें क्या होता है उनके शेल कम्प्लीटली फिल्ड होती है, तो उसमें स्पेस ही नहीं होती कि उन लोग यहाँ इलेक्ट्रॉन और क्या करें हम ऐड करें अकोमोडेट करें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसलिए बेटा वो क्या करती है ना ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे ना ही टू इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे गेन करेंगे, इसलिए कहा जाता है कि जो नोबल गैसेज हैं वो क्या है नॉन रिएक्टिव। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइजेज हो गया कि वाई द नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव, तो इसमें बेटा ये कंप्लीट पैराग्राफ यहाँ से बताना है, नोबल गैसेज डू नॉट हैव टू आर एट इलेक्ट्रॉन द वैलेंस शेल, यहाँ से लेकर बेटा नीचे तक लॉस और शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक बेटा आपने क्या बताया, एक ऊपर क्वेश्चन बन गया, एक शुरू में हमने क्वेश्चन ही बनाई है कि डिफाइन केमिकल बॉन्ड, दूसरा क्वेश्चन इसमें डिफरेंस बिटवीन डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल, थर्ड क्वेश्चन बेटा इसमें क्या आ गया कि नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव। इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ नोबल गैसेज की, जो है ना क्या इंपॉर्टेंट होती है बेटा, तो इंपॉर्टेंट ऑफ नोबल गैसेज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लाइक इट सेट देयर ऑल अदर एटम्स ट्राई टू बेस्ट देयर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बेटा, तो आप इस पर कुछ एटम कंबाइन विद एन एटम, एटम को कंबाइन करते हैं इसको आप केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं। अब एटम को जो है ना हम बेटा जो कंबाइन कर सकते हैं वो डिफरेंट थ्री वे में, तीन तरीकों से, यानी जो बॉन्डिंग अभी मैंने बताई थी ना आप लोग को आयनिक कोवलेंट और मेटैलिक, इसी तरह थ्री तरह के बॉन्ड होते हैं, नंबर वन शेल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हम क्या कर सकते हैं गेन कर सकते हैं, या फिर बेटा बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर एटम हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, ठीक है, बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम, या फिर हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को बेटा शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ये थ्री वे है कि जो कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको तीन तरीके से हो सकते हैं जी, फर्स्ट वाला क्या कहते हैं बाय गेनिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेकंड बेटा क्या कहते हैं बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, और थर्ड बच्चे क्या कहते हैं बाय शेयरिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इन तीन तरीकों से क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है, इट मीन्स एवरी एटम हैज नेचुरली टेंडेंसी टू हैव टू और एट इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, ठीक है, तो जो मतलब मुकम्मल इलेक्ट्रॉन होंगे जिस जो स्टेबल एटम होंगे स्टेबल मॉलिक्यूल होंगे उन्हें चेयरली बेटा उसमें टू और एट इलेक्ट्रॉन होते हैं, द एटम हैविंग लेस देन टू और एट इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल आर अनस्टेबल। अब स्टेबल क्या होंगे, जिनके वैलेंस शेल में टू और एट इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बेटा स्टेबल हो जाएंगे, और जिनके वैलेंस शेल में टू एट इलेक्ट्रॉन से कम होंगे लेस देन होंगे वो बच्चे क्या हो जाएंगे अनस्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन इसमें आप मुझे बना इलेक्ट्रॉन जो है ना कैसे अकामोडेट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये इसमें था। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ गया केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड क्या होता है, अभी पीछे जो पढ़ाया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है डिफरेंट एटम्स की जो आपस में कंबाइन कर लेती है मॉलिक्यूल को सुन लेती है, उसको हम क्या कहेंगे ये केमिकल बॉन्डिंग, उसको क्या कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग के नाम। केमिकल फोर्स केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अमंग दैट होल्ड एटम्स टुगेदर इन अ सब्सटेंस, ठीक है, इसमें क्या कहलाते हैं जब हम एटम्स आपस में क्या करते हैं होल्ड करते हैं, ठीक है, दो डिफरेंट एटम आपस में केमिकल फोर्स के साथ मिल जाते हैं कंबाइन हो जाते हैं, उसके बेटा क्या जाते हैं केमिकल बॉन्ड कराते हैं, ठीक है, द अदर वन ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन जैसे सम फोर्स विच होल्ड द एटम्स टुगेदर,
फिर वही ऑक्टेट रूल की बता रहे दैट एनी गैपियट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इन द आउटर मोस्ट शेल आइदर बाय द शेयरिंग बाय लॉसिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल. ठीक है बेटा, दिस ऑक्टेट रूल ओनली सप्लाइज दैट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शुड बी अटेंड बाय द एटम इफ दे कंबाइन आर रिएक्ट. इसमें Electrostatic force of attraction only, but if the bond formation between similar atoms, then the atoms have comparable electronegativity. इसी तरह बेटा chemical bond formation where the sharing of electrons, chemical bond बेटा बनते होते हैं बंदे, sharing of electrons होने लगे, sharing of electrons में बेटा mutual sharing, जैसे covalent bond हम बनाते हैं, covalent bond में क्या होते हैं, mutually sharing of बेटा क्या करते हैं, electron करते हैं. When two atom approaches and comes closer, the attractive as well as repulsive force become operating with it. It is the formation of chemical bond, result of net force of which dominates. It is the net force of the atom of the dominates so that break so that the energy that is system over the molecule is formed. Molecule beta jaya to phir bante hain to pehle kya hota hai kam hota hai repulsive force become dominate no chemical bond repulsive force होती है जो similar force है ना chemical bond नहीं बना सकते. repulsive force क्या होते हैं same charges होते हैं. ठीक है, हमेशा जो chemical bond बनाएंगे बेटा तो क्या होते हैं different charges होते हैं, attractive force होती है वो बनाते हैं. इसलिए हम बता रहे हैं कि no chemical bond. ठीक है, repulsive force होती है do not dominate chemical bond in the case increasing energy of the system due to creation of energy repulsive force. अब इसी तरह बेटा इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में इसमें क्या आ गया बच्चे, सबसे पहले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं विच इन्वॉल्व केमिकल बॉन्डिंग. जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ठीक है उसके शेल में होते हैं उनमें जो बेटा इन्वॉल्व होती है केमिकल बॉन्डिंग उसको हम कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बेटा कहलाता है. ठीक है, यूजली इनकम्प्लीट और पार्शियली फिल्ड आउटर मोस्ट ऑफ द एटम. इसमें बेटा हमारे पास जो टाइप्स होती है वो डिफरेंट टाइप्स होती है. आयनिक बॉन्ड ये बेटा न्यूट्रल शेयरिंग ऑफ ये जो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं. कोवलेंट बॉन्ड न्यूट्रल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं. एक्टिव कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट कोवलेंट बॉन्ड बेटा ठीक है. इसी तरह हमारे पास क्या आ गया मेटेलिक बॉन्ड. ये चार तरह के बेटा इसमें क्या है हमारे पास बॉन्डिंग. तो आज बेटा हमने जो टॉपिक पढ़ना था वो यहीं तक बेटा हमने सीखना है. ठीक है, तो ये हमने अभी पीछे से इंट्रोडक्शन ठीक है उसमें से बेटा हमने वाइड एटम केमिकल बॉन्ड ये बेटा क्वेश्चन पूछ के डॉक्टर टू. उसके बाद हमने केमिकल बॉन्ड केमिकल फोर्सेस हमारे बेटा नोबल गैसेस का इंट्रोडक्शन उनकी स्टेबिलिटी इसका काम बेटा आप इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड और उसके बाद बेटा इसमें हमने रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स का जिक्र किया और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और उसके बाद बेटा इसकी टाइप्स. ठीक है बच्चों, ये हमने करना तो यही था. अभी इसी टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है वो बेटा मुझे बताइए कि सर ये चीज़ की जो है समझ नहीं आई कि अपना हैंड रेज करें. मैं आपका माइक ऑन कर देता हूँ फिर आप जो है मुझे बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन जो है ना यहाँ से जो है ना मुझे थोड़ा सा समझा दी. ठीक है, तो डायरी जो है आप लोगों को जो है ना ग्रुप में आ जाएगी सर सेंड कर देंगे. तो डायरी को जो है ना आप लोगों ने क्या कर रखे थे ये क्वेश्चन जो है ना आप लोगों ने अच्छे से क्या करने हैं सिर्फ याद करने और साथ साथ अपनी नीट कॉपी पर इनको लिखना भी है. ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने क्या करने सॉल्व भी करने और साथ अपनी इनको कॉपी पर बेटा क्या करना है इनको लिखना भी है बेटा. यार जी ये कुछ क्वेश्चन है तो बेटा बताइए. चलो ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसी अभी इसको बैठ कर रिवाइज करें थोड़ी देर. ठीक है, क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है. ठीक है, तो वो क्लास में जो है आपको
Thank you.